नमस्कार, जय जिनेंद्र, प्रणाम। हमेशा की तरह हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, कपूर। कपूर जो है हर एक पूजा में यूज करते हैं, बोलते हैं ना कर्पूरा गौरम, ऐसा संस्कृत में श्लोक है कि कपूर को कपूर आरती होती है। और आजकल जो वायरस का जमाना चल रहा है तो कपूर जो रहता है इसको बोलते हैं भीमसेनी कपूर। ये भीमसेनी कपूर होता है। आम कपूर में वैक्सीन मिक्स होता है तो थोड़ा सा वो पॉल्यूटेड टाइप होता है, पर भीमसेनी कपूर इज अ प्योर शुद्ध कपूर होता है। अभी इसका पहले हम लोग साइंस देखे कि कपूर जलाने के पीछे साइंस क्या है, फिर ज्योतिष रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। बहुत सी जगह आरती होती है वहाँ कपूर जलाते हैं। तो कपूर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग एंटीबायोटिक भी बोल सकते हैं, कि कपूर जलाने से आजू बाजू का जो वातावरण है वो शुद्ध होता है, प्योर होता है, और जो भी हमारी निगेटिविटी है वो निकल जाती है। तो एक साइंस है, कपूर के पीछे भी साइंस है, प्योर कपूर है, उसमें बहुत सारा अच्छा साइंस है कि कपूर ही क्यों, आरती में दूसरा भी यूज कर सकते थे लोग। पर एक ज्वलनशील पदार्थ है और जब इसकी आरती होती है तो ये वैनिश हो जाता है, और वैनिश होने के बावजूद भी इसकी जो सुगंध है वो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। इंसान थका हारा रहेगा, टेंशन में रहेगा, तो वो इसके सुगंध से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो ये भगवान नहीं कहते कि मुझे कोई चाहिए, भगवान का ही दिया हुआ हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। पर भगवान को जो अर्पण कर रहे हैं वो भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए है। जो पूजा की जो हमारी अभी सीरीज चालू की पूजा में हम लोग कपूर की यूज़ कर रहे हैं, लौंग की यूज़ कर रहे हैं, घंटी की बजा रहे, आगे जो वीडियो आ रहे हैं उसमें से हम लोग कपूर से शुरुआत करते हैं। तो बहुत सी जगह देखा है कि कपूर, तो हम लोग साइंस तो देखा कि कपूर में बहुत सारा एंटी ऑक्साइड बोलते हैं वो तत्व होता है, तो कपूर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी का दांत दुखता है तो लोग दांत में कपूर रखते हैं तो उसका भी दर्द दूर हो जाता है। तो कपूर बहुत सारे जंत को नष्ट कर देता है। तो अभी इसकी ज्योतिष रिलेटेड हम लोग उपाय देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो देखो, एक तो आप घर में आपकी नेगेटिविटी है, घर का वातावरण अशांत है, आप कपूर जला सकते हैं। अभी बहुत ही बार क्या होता है कि कपूर जलाने से बहुत से घरों में अच्छे से पेंट दिया हुआ रहता है, फिर घर में लेडीज भी बोलती है अरे कपूर जलाने से धुआं होता है, हमारा घर काला हो जाता है। तो उसका भी सॉल्यूशंस अपने पास है कि एक कपूर मशीन जो मार्केट में मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं मशीन्स, आप वो मशीन लगाइए, मशीन में आप कपूर डाल दीजिए, तो इसका बहुत सारा फायदा होगा। ज्योतिष में कपूर का अनन्य साधारण महत्व है। ज्योतिष में जो हम लोग कपूर यूज़ करते हैं, अगर हम लोग कपूर नहीं जला सकते तो आप ऐसे जो मशीनें मार्केट में मिलती हैं, बहुत सारी मशीनें रहती हैं, मैं तो ये सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ, कपूर इस मशीन में डालेंगे तो इसका ना धुआं होगा ना आपका घर खराब होगा। पर जब एक कपूर काम करता है तो आपके घर में शांति, स्वास्थ्य और संपत्ति का आगमन होता है। भगवानों को, देवताओं को कपूर का सुगंध बहुत प्रिय है, भगवानों से ज़्यादा इंसानों को ज़्यादा प्रिय है, तो घर में पूरी निगेटिविटी निकल जाती है। अगर आपको पैसे का स्तोत्र बनाना है कि नहीं यार हमारे घर में पैसा नहीं टिक रहा है, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, तो कपूर के साथ आप गुलाब का जो अत्तर रहता है उसकी दो बूंदे डाल के, कपूर मशीन में डाल के उसके ऊपर दो बूंदे डालो और मशीन को चालू करो, तो उसके सुगंध से आपका एटमोस्फियर, घर का वातावरण पूरा चेंज होता है, सुगंधमय होता है। तो ऑटोमेटिक इट्स कॉल्ड द ऑरा लेवल अरोमा थेरेपी बोलते हैं। ये अरोमा थेरेपी है, इसका ज्योतिष में हम लोग ने कॉम्बिनेशन करके बता रहे हैं, सब पीछे साइंस है। तो इससे पूरे घर का वातावरण प्रसन्न हो जाता है, तो घर के लोग भी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का नहीं पड़ता है, आजकल एक आम क्वेश्चन है कि मतभेद बहुत होते हैं, तो उनके बेडरूम में आप ये मशीन लगाओ, सोने के पहले इसमें कपूर डाल दो, रूम 5 मिनट के लिए बंद कर दो, ताकि एक कपूर पूरा वहाँ का निगेटिविटी निकाल देता है, फिर आप आपके कमरे में जा सकते हैं। तो आपको नींद भी अच्छी आएंगी, जो बुरे सपने आते हैं वो भी नहीं आएंगे, और जो कम्युनिकेशन गैप होता है हस्बैंड वाइफ का वो भी नहीं होगा, और वो लोग अच्छी तरह से साथ में रहेंगे। तो कपूर
स्वास्थ्य, समृद्धि और ऐश्वर्य देता है। तो आप कपूर हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर किसी को निगेटिविटी है या अपने हिंदू शास्त्र में बोलते हैं नज़र लगना है, तो कपूर का एक कपूर सिर्फ पानी के बकेट में डाल के आप नहाते हो तो आपकी निगेटिविटी सारी चली जाती है। कपूर का तेल भी लोग यूज़ करते हैं एज अ एरोमा थेरेपी, तो उससे भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। एंड कपूर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जितने बोलो उतने कम हैं। तो आशा करता हूँ आप भी ऐसा कपूर घर में यूज़ कीजिए और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए। प्रणाम।